आपका अपना शोरूम पुजारी मोटर्स सुजुकी शोरूम किल्लाई नाका बालाकोट रोड दमोई। गाड़ी खरीदने से पहले एक बार अवश्य पधारें या हमें फोन करें, हम आप तक पहुंचेंगे। देखो कंपास से भी नहीं बनेगी इतनी गोल। जरा सा बदलाव रिश्तों की सेहत के लिए अच्छा है, तो क्यों ना अपनों का खाना धारा ऑयल में बनाएं और रिश्तों की सेहत बढ़ाएं। वर्ल्ड वॉच न्यूज चैनल के सभी दर्शकों को विकास अग्रवाल का नमस्कार। दमोह शहर के आसपास की ताजा खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन जरूर दबाएं, जिससे आपको हर खबर का तुरंत अपडेट मिलता रहे। आइए नजर डालते हैं बड़ी खबर पर। प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश रेणुका कंचन ने दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का किया शुभारम्भ। राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण जौनपुर द्वारा जारी निर्देशों के तहत प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश अध्यक्ष विधिक सेवा प्राधिकरण रेणुका कंचन ने आज विधिक सेवा भवन में माँ सरस्वती के समक्ष दीप प्रज्वलित कर लोक अदालत का शुभारंभ किया। इस अवसर पर कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य, पुलिस अधीक्षक डी आर तैनिवार, प्रधान न्यायाधीश कुटुम्ब न्यायालय बी बी पांडे, प्रभारी नेशनल लोक अदालत विशेष न्यायाधीश संजय चतुर्वेदी, जिला न्यायाधीश एवं सचिव लोक अदालत नीरज शर्मा सहित न्यायाधीश गण, अधियोक्तागण एवं विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने पुष्प अर्पित कर नमन किया। क्या कहना है न्यायाधीश महोदय रेणुका कंचन का, जिला कलेक्टर एस कृष्ण चैतन्य का, सुनते हैं। तीसरा अवसर है, इसमें प्रशासन की बहुत बड़ी भूमिका रही है, जो हमें नालसा और सालसा के निर्देशानुसार लोक अदालत का आयोजन करते हैं। इसमें पिछली दो बार से दमोह का नंबर वन स्थान रहा है और हमें बताते हुए खुशी हो रही है कि इस बार भी काफ़ी अच्छी तैयारी हुई है और सभी लोगों ने बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। इसमें प्रशासन की, पुलिस की बहुत बड़ी भूमिका रही है और वो हमें लगातार सहयोग कर रहा है। नगर पालिका के इसमें काफ़ी सहयोग मिल रहा है, बैंकिंग सेक्टर का भी काफ़ी सहयोग मिल रहा है और हम उम्मीद करते हैं कि इस बार भी हम टॉप करेंगे। थैंक यू। राष्ट्रीय लोक अदालत कार्यक्रम में जैसे अपनी डीजे मैम ने कहा हुआ है कि लगातार जो है पिछले दो अपने कार्यक्रमों में दमोह जो है बहुत ही अच्छा यहाँ पे उपलब्धि हासिल की है। इस बार भी क्या है, पूरे अपने विभागों की कोऑर्डिनेशन जो है अच्छी रही है और यही अपेक्षा करते हैं इस बार भी जो है दमोह जिला जो है पिछली बार की तरह भी इस बार भी वही उपलब्धि प्राप्त करे जो पिछली बार आई है। लगातार सभी विभागों के बीच में अच्छी कोऑर्डिनेशन देखने के लिए मिल रही है, तो यही प्रयासरत होनी चाहिए कि ये कोऑर्डिनेशन जो है लगातार हम लोगों के आगे रहे और कहीं पर हम लोगों के और कोई इम्प्रूवमेंट की स्कोप हो तो आप लोग भी लगातार हम लोगों को उस दिशा में वो हम लोगों को पॉइंट आउट करते रहेंगे तो हम लोग और इम्प्रूवमेंट करने की प्रयास करेंगे। लोक अदालत का आयोजन इस उद्देश्य से किया गया है ताकि प्रकरणों का निराकरण अविलंब किया जा सके, आर्थिक बोझ से बचा जा सके और समय की पाबंदी के अंदर पक्षकारों के बीच में वैमनस्यता ना हो, इस उद्देश्य से किया गया है। इसमें संभावना ये है कि सबको चाहिए कि अधिक से अधिक प्रकरणों में राजीनामा करके अपना समय की बचत करें, आर्थिक बोझ से बचें, जल्दी जिसमें त्वरित न्याय हो सके और पक्षकारों के बीच में किसी प्रकार की वैमनस्यता न हो सके। आदेश अनुसार मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण के निर्देशन में और हमारे माननीय प्रिंसिपल जिला न्यायाधीश महोदय श्रीमती रेणुका कंचन मैडम के मार्गदर्शन में आज नेशनल लोक अदालत का आयोजन किया जा रहा है। नेशनल लोक अदालत में कोर्ट में जो पेंडिंग केस है उनको रखा जा रहा है और जो प्री लिटिगेशन के केस हैं जो अभी कोर्ट में आए नहीं हैं उनको भी लगभग 5,500 केस ऐसे चिन्हित किए गए हैं जो प्री लिटिगेशन के तौर पर रखे जाएंगे। उनमें बैंक के मामले भी हैं, फॉरेस्ट के मामले भी हैं, बिजली विभाग के भी, नगर पालिका, इन सभी विभागों के मामले उसमें रखे जा रहे हैं और जो कोर्ट में पेंडिंग केस हैं लगभग 2,500 केस कोर्ट के द्वारा उनको लोक अदालत में रेफर किया गया है और सभी केसेस में पक्षकारों को सुनवाई के लिए नोटिस जारी किए गए हैं और हमें आशा है कि आज अधिकतम प्रकरणों का निराकरण आपसी सुलह और समझौते के आधार पर तय हो पाएगा और हम आप सभी मीडिया कर्मियों के माध्यम से दमोह के सभी लोगों से अपील करते हैं कि आज के दिन का लाभ उठाएं और अधिक से अधिक संख्या में जिला न्यायालय परिसर में और हमारी जो तहसीलें हैं उनमें उपस्थित होकर अपने अपने मामलों का निराकरण करें। कितनी खंडपीठें बनाई हैं? खंडपीठें बनाई गई हैं जजेस के लिए और कुछ 5 या 6 स्पेशल खंडपीठ बनाई गई है जो स्पेशल प्रकृति के केस हैं उनको सुनवाई के लिए पृथक से खंडपीठ बनाई गई है और रेगुलर 18 खंडपीठ हमारी बनाई गई है।